आज हम जिस कलाकार की बात करने वाले हैं वो साउथ इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है। जी हाँ, काजल अग्रवाल। दोस्तों, काजल अग्रवाल ने वैसे तो फिल्मों की शुरुआत हिंदी फिल्मों से ही की थी, लेकिन बॉलीवुड में उनकी दाल नहीं चली तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर साउथ इंडस्ट्री में चली गई। काजल अग्रवाल ने बॉलीवुड में ढेर सारे ऑडिशन दिए, हाथ पैर मारे, लेकिन इनको कोई काम नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपना बैग उठाया और साउथ फिल्मों में अपना ऑडिशन देना शुरू कर दिया। साल 2007 में उसे पहली तेलुगु फिल्म मिली, लक्ष्मी कल्याणम। इसके बाद उसने और तेलुगु फिल्मों में काम किया और 2008 में काजल ने 7 से 8 फिल्मों में काम किया, लेकिन बहुत ज्यादा पहचान उनको नहीं मिली। उसे असली पहचान साल 2009 में मिली। एक तेलुगु फिल्म आई थी जिसका नाम था मगधीरा। मगधीरा एसएस राजा मौली की फिल्म थी और बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म से काजल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम बन गई। मगधीरा उस समय 35 करोड़ के छोटे से बजट में बनी थी और इसने 150 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई की थी। काजल का पहली बार नाम जुड़ा साल 2009 में इसके को एक्टर राम पोतिनेनी के साथ। 2007 में इन्होंने राम के साथ गणेश नाम की फिल्म में काम किया था और इसी दौरान ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। इन दोनों का अफेयर उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। उन दोनों के अफेयर की चर्चा जब चरम सीमा पर थी तब दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे थे और लिविंग में रहना शुरू कर दिया। लेकिन लिविंग में रहने के दौरान पता चला कि दोनों की सोच मेल नहीं खा रही है, इसलिए कुछ दिनों में ही दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और फाइनली एक समय के बाद ये दोनों अलग भी हो गए। इसके बाद 2011 में मिस्टर परफेक्ट की शूटिंग के दरमियान काजल का नाम जुड़ा प्रभास के साथ। उस समय ये दोनों शूटिंग के बाद एक साथ स्पोर्ट खेलने के लिए जाते थे। मीडिया में जब खबर उड़ी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है तो काजल ने प्रभास को सिर्फ अपना दोस्त बताया। दरअसल ये दोनों रिलेशन में थे और एक दूसरे के साथ खूब इंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन ये दोनों अपने रिश्ते को मीडिया में नहीं ले आना चाह रहे थे। काजल 2011 तक साउथ में काफी बड़ा नाम बन चुकी थी, बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी और इनके मन में फिर से बॉलीवुड घूमने लगा। इसीलिए इन्होंने ऑडिशन देने शुरू कर दिए और फाइनली इनको सिंघम के पहले पार्ट में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में थे और ये एक रिमिक्स मूवी थी। रिमिक होने के बाद भी ये एक सफल मूवी बनी। इसके बाद काजल को लगा कि अब वो बॉलीवुड की टॉप की एक्टर बन जाएगी, इसलिए काजल ने मुंबई में अपना खुद का घर ले लिया और बॉलीवुड पार्टियों में हाजिरी लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने एक समझदारी का काम किया था, साथ ही साथ इन्होंने साउथ की फिल्मों में भी शूटिंग जारी रखे। यानी साउथ इंडस्ट्री को इन्होंने टाटा बाय बाय नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना, सारे काम वैसे नहीं हो पाते जैसे हम सोचते हैं। सिंघम जैसी सफल फिल्म के बाद भी इन्हें कोई और हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिला, लेकिन काजल ने यहाँ हार नहीं मानी और उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए बॉलीवुड में सफलता हासिल करके ही रहना है। फाइनली 2013 में सिंघम के 2 साल के बाद उन्हें अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म मिली। फिल्म का नाम था स्पेशल 26। स्पेशल 26 में वैसे तो काजल लीड एक्ट्रेस थी, लेकिन इनका रोल बहुत छोटा था और मुश्किल से 10 मिनट लंबा उसका रोल था। हालांकि ये फिल्म एक सफल फिल्म थी और लगा कि अब बॉलीवुड की फिल्में इनको मिलती रहेगी, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि 2 सफल फिल्म देने के बाद भी इन्हें किसी और हिंदी फिल्म का ऑफर नहीं आया। और ऐसा भी नहीं है कि काजल अच्छी एक्टिंग नहीं करती है, एक्टिंग भी ठीक करती है, देखने पर भी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ दाव लगाने के बाद भी फिल्म मेकर को खुश करने के बावजूद बॉलीवुड फिल्म नहीं मिली। बॉलीवुड की यही तो खासियत है कि लड़कियों को काम देने के बहाने फिल्म मेकर और एक्ट्रेस मन भर के इस्तेमाल कर लेते हैं, खूब मजे लूट लेते हैं। काम दे या ना दे उनकी मर्जी। एक्ट्रेस कितनी भी टैलेंटेड हो, कितनी भी खूबसूरत हो, इनके सामने कोई मायने नहीं रखता। फिर काजल ने भी वही किया जो बॉलीवुड की फ्लॉप एक्ट्रेस ज्यादातर करती है, यानी तड़पता फड़कता फोटोशूट। जी हाँ, काजल ने बहुत ही एक्सपोज करने वाला फोटोशूट करवाया। ये फोटोशूट 2014 में करवाया था। ये फोटोशूट में काजल टॉपलेस नजर आ रही थी और ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई। काजल चर्चा का विषय बन गई।
काजल जैसी एक्ट्रेसेस तो संस्कारी बनती है और कायदे की बातें करती है, वो भी इस तरह का फोटो शूट करवाती है, तो इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, इनकी खूब आलोचना हुई। तो काजल ने फोटो को लेकर एक बयान दिया। काजल ने कहा कि ये फोटो सारे के सारे फेक है। काजल ने कहा कि इन्होंने ऐसा कोई फोटो शूट नहीं करवाया। इसके बाद मैगजीन के एडिटर कबीर शर्मा ने इनका फोटो शूट करवाया था। उसने बयान दिया कि काजल का ये बयान बहुत ही चौंकाने वाला था और पूरी तरह से बेखौफ है। हमारी मैगजीन ने कभी भी किसी भी एक्ट्रेस की फोटो के साथ छेड़छाड़ नहीं की। हमने जब काजल का टॉपलेस फोटो शूट किया तो अग्रीमेंट भी किया था। हमारे पास काजल के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स भी है। मैगजीन के एडिटर ने ये कहा कि काजल ने ऐसा फोटोशूट नहीं करवाया, हमने गलत तरीके से उसको फोटोशूट में टॉपलेस दिखाया है, तो उसे हमारे मैगजीन के ऊपर केस करना चाहिए। लेकिन काजल यहाँ सच्ची होती तो केस करती ना। काजल यहाँ चुप हो गई। इसके बाद काजल अग्रवाल का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि उसकी झूठ की पोल खुल चुकी थी। इस फोटोशूट के बाद काजल को बॉलीवुड में एक फिल्म मिली, यानी फोटोशूट का फायदा हो गया। फिल्म थी दो लफ्जों की कहानी। रणदीप हुड्डा इस फिल्म में लीड रोल में थे। इस फिल्म के बाद काजल ने आरोप लगाया था फिल्म मेकर के ऊपर। फिल्म में जो इनका किसिंग सीन है वो इन्हें बिना बताए शूट किया गया था, धोखे से शूट किया गया था। उस वक्त फिल्म मेकर की तरफ से एक बयान आया कि फिल्म में किसिंग सीन काजल की मर्जी से हुआ था और इस किस सीन के बारे में अग्रीमेंट भी लिखा गया है। इसके बाद काजल को फिर से चुप होना पड़ा। पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो काजल का नाम राम पोथीनेनी प्रभास के अलावा साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ भी जुड़ा, लेकिन इसका अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और उस समय के बाद दोनों अलग हो गए। काजल का पर्सनल मैनेजर एक बार ड्रग्स के सिलसिले में पकड़ा गया था, इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, तो काजल भी चर्चा का विषय बन गई थी। काजल पर आरोप लगा था कि उसका मैनेजर उसके बहुत ज्यादा क्लोज थे। दो लफ्जों की कहानी के बाद काजल बॉलीवुड से पूरी तरह से गायब हो गई थी। इसके बाद नजर आई मुंबई सागा में, जो कि 2021 में आई थी और आज की डेट में ज्यादातर वो साउथ की फिल्मों में ही काम करती है। काजल के पास अभी 4 से 5 फिल्म है जो कि साउथ की है और एक लो बजट हिंदी फिल्म है जो कि 2023 में रिलीज होगी। साल 2020 में काजल अपने बॉयफ्रेंड गौतम के साथ में शादी कर ली थी और आज की डेट में एक बेटे की माँ बन चुकी है और काजल का हस्बैंड एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। साथ ही ऐसे वीडियो यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ, फेसबुक पर हमें जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।